In the name of Allah, who is most gracious and the most merciful. Assalamu alaikum class, I am Afifa Gulzar and today the topic of discussion is method of age germination in fish and regulation of reproduction in fishes. तो बेसिकली हम लोग इसमें दो जो टॉपिक्स हैं उनको डिटेल में स्टडी करेंगे, जिसमें फर्स्ट वन जो है वो है मेथड ऑफ एज डिटरमिनेशन इन फिश और सेकंड जो है वो है रेगुलेशन ऑफ रिप्रोडक्शन इन फिशेस. तो जो मेथड्स हैं एज डिटरमिनेशन में उनको हाँ उनमें फर्दर हम लोग तीन चीज़ें जो है उनको स्टडी करेंगे. सबसे पहले हम लोग ग्रोथ और साइज़ जो है फ़िश का उसको ऑब्ज़र्व करेंगे और उसके थ्रू एज को डिटरमाइन करेंगे. सेकंड वन हम लोग साइज़ और फ्रीक्वेंसी जो है फ़िश की उसको स्टडी करेंगे. थर्ड वन हम लोग सीजनल जो रिंग्स हैं हार्ड पार्ट्स के ऊपर फ़िश के उनके थ्रू हम लोग एज को डिटरमाइन करेंगे. सेकेंड जो मेजर पार्ट है इसमें वो आ जाता है रेगुलेशन ऑफ रिप्रोडक्शन इन फिशेस. तो इसमें मज़ीद हम लोग दो फैक्टर्स को जो है वो स्टडी करेंगे, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स एंड इंटरनल फैक्टर्स. अगर हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहले जब भी अगर हम लोग बात करें कि हिस्ट्री के अंदर जब भी फ़िश के साइज़ एज को डिटरमाइन करना होता था तो फ़िश के साइज़ को जो है वो उसके थ्रू जो है वो एज को डिटरमाइन किया जाता था. मींस ये कि जितना जितना साइज़ फ़िश का बढ़ता जाता था उस हिसाब से एज को एस्टीमेट कर लिया जाता था. लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है इसके साइज़ के अंदर वेरिएशन आना स्टार्ट हो गई और प्रॉपर जो है वो एज को एस्टीमेट करना जो है वो पॉसिबल नहीं रहा. तो देन फिर क्या किया, डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट वेज के थ्रू जो है इनको एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दिया, इन पर वर्किंग स्टार्ट कर दी. तो कुछ साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने स्ट्रक्चर के थ्रू फिश के स्ट्रक्चर्स के थ्रू फ़िश की एज को डिटरमाइन करना स्टार्ट कर दिया. इसके लिए उन्होंने फ़िश के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को यूज़ किया, जैसा कि फ़िश के ऑटोलिथ्स को यूज़ किया, फ़िश के स्केल्स को यूज़ किया, इसके अलावा वर्टिब्रे को यूज़ किया, इसके अलावा आई लेंजेस, पेक्टोरल गिर्डल्स, इसके अलावा बोन्स हो गई फ़िशेज की. तो इन्होंने इन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के थ्रू जो है वो हमें ज़्यादा एज जो है ना वो उसमें क्लैरिटी शो करवाई और अभी तक यही जो है ना ये मेथड जो है वो यूज़ किया जा रहा है फॉर द एज डिटरमिनेशन ऑफ फ़िशेज. अब जैसे जैसे साइज़ में वेरिएशन आना स्टार्ट हो गई तो डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट रिसर्चेस की ताकि प्रॉपर जो है वो उनको कोई वैलिड जो है वो मिल जाए रीज़न फ़िश के एज को डिटरमाइन करने के लिए. तो डिफरेंट हार्ड पार्ट्स जो है फ़िश के उनके ऊपर रिसर्च की गई. तो सबसे पहले इनके जो कंट्रीब्यूशन आती हैं, जो सबसे पहले साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन है उन्हें आ जाते हैं एरिस्टोटल. एरिस्टोटल का जो मेन काम था उसका हार्ड पार्ट्स के ऊपर को ही स्टडी करना था. इसने हार्ड पार्ट्स में फ़िश के हार्ड पार्ट में से स्केल के ऊपर जो है वो स्टडी की और इसने फ़िश के स्केल के साइज़ और हार्डनेस की बेस पे फ़िश की एज को डिटरमाइन किया. और इसके बाद एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक साइंटिस्ट आ जाता है. इसका भी काम जो है वो एरिस्टोटल की तरह ही था, बट इसका जो मेन फोकस था वो ये था कि इसने फ़िश की एक स्पीशी यूरोपियन ईल को लिया और इसके स्केल्स को स्टडी किया. जब इसने इसके स्केल्स को डीपली स्टडी किया तो इसे क्या था, वो सर्कुलर लाइंस नज़र आई और इसने इन सर्कुलर लाइंस को जो है वो एज डिटरमिनेशन के लिए, फ़िश की एज डिटरमिनेशन के लिए इन्हीं लाइंस को यूज़ किया. और उसने ये भी ऑब्ज़र्व किया कि यहाँ पे कुछ डार्कर एरियाज उसे ऑब्ज़र्व हुए जिनको उसने स्लोलर ग्रोथ का नाम दिया और इस तरह जो लाइटर एरिया नज़र आ रहा था उसे उसने फास्टर ग्रोथ का नाम दिया. और इसके बाद अगर हम लोग बात करें, थर्ड साइंटिस्ट जो था वो था हैंडरस्ट्रॉम. ये साइंटिस्ट जो है ना इसे कहते हैं कि ये बेसिकली वो साइंटिस्ट है जिसने जो है फ़िश की एजिंग को जो है वो डिस्कवर किया था. और इन शॉर्ट अगर हम लोग ये कहें कि जो फ़िश की एजिंग स्ट्रक्चर है इसका जो क्रेडिट है वो इसी साइंटिस्ट को जाता है. और इसका जो मेन काम था ये था कि इसने जो पाइक स्पीशी है फ़िश की उसके वर्टिब्री के ऊपर काम किया था. देन हम लोग एनालाइजिंग एज क्लास स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें बेसिकली हम लोग ये देखते हैं
कि अब हम लोग ये जो एज डिटर्मिनेशन कर रहे हैं डिफरेंट पार्ट्स के, इसके थ्रू हमें क्या फ़ायदा हो रहा है, ये जो हम लोग एज की एनालाइजिंग कर रहे हैं इससे हमें क्या फ़ायदा मिलता है। तो सबसे पहला जो है ना, इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड वेट। मीन्स ये कि फ़िश की, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग कोई फ्राई लेते हैं, उसको क्या करते हैं, उसको मार्क करेंगे, उसकी लेंथ को देखेंगे और उसको जो है वो पाउंड में छोड़ देते हैं। और आफ्टर सम टाइम जब हम चाहें कि उसकी हम लोग एज डिटरमाइन करें, तो हम लोग उस फिश को दोबारा निकालते हैं, उसकी दोबारा लेंथ को मेजर करते हैं और उसके वेट को देखते हुए क्या करते हैं, उसकी एज को एस्टिमेट कर लेते हैं। इसके अलावा ये हमें इंफॉर्मेशन बताती है पॉपुलेशन के बारे में, फिश की उसकी लाइफ स्पैन के बारे में, इसके अलावा उसकी जो एज है कि वो किस एज पर मैच्योर होगी उसके बारे में हमें बताती है। इसके अलावा ये हमें ग्रोथ एनालिसिस के बारे में भी बताता है मेथड। इसके अलावा ये हमें पॉपुलेशन डायनामिक्स के बारे में बताता है। इसके अलावा रिसोर्स मैनेजमेंट में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। इन सब इतने ज़्यादा बेनिफिशियल होने के बावजूद भी जो है इस एजिंग मेथड को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है वो ज़रूरत है। तो अब अगर हम लोग फिश की एज डिटर्मिनेशन के फर्स्ट स्टेप को देखें, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑब्जर्वेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ फिश ऑफ नाउन साइज, इसमें हम लोग दो डिफरेंट तरीके के मेथड्स को यूज़ करते हैं, जिनमें से एक जो होता है वो होता है कैप्चर एंड मार्किंग मेथड। तो देखिए कहता है कि होता ही है कि हमें एक, हम लोग क्या करते हैं, नाउन एज की जो फिश है उसे किसी भी पाउंड या एक्वेरियम के अंदर कुछ सालों के लिए छोड़ देते हैं, और देन आफ्टर सम टाइम हम लोग जो है उस फिश को दोबारा रिकैप्चर करते हैं और उसकी लेंथ को मेजर करके हम लोग उस फिश की ग्रोथ और एज को डिटरमाइन कर लेते हैं। तो जो फिशेज आर्टिफिशियल में जो है वो इन्वायरमेंट में ग्रो की होंगी, वो ज़्यादा जो है वो अपने आप को ग्रो नहीं कर पाएंगी एज़ कम्पेयर टू द वो वाली फिशेज जो कि नॉर्मल कंडीशंस के अंदर जो है वो ग्रो करवाई गई हैं। तो इसके अलावा जो हम लोग क्या करते हैं कि इसमें कुछ स्मॉल फिशेस को भी टैग किया जाता है और लार्ज फिशेस को भी हम लोग टैग करते हैं। जो स्मॉल फिशेस होते हैं उनको मार्क या टैग करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उनके सर्टेन फिन्स को रिमूव करते हैं, और ताकि उनको जब हम लोग दोबारा रिकैप्चर करें तो उनको आइडेंटिफाई करने में आसानी हो सके। और जो लार्जर फिशेस होती हैं उनको कुछ स्मॉल नंबर टैग के थ्रू जो है हम लोग मार्क करते हैं, और वो जो टैग्स होते हैं वो मोस्टली प्लास्टिक के भी होते हैं या वो किसी भी नॉन क्रोसिव मटेरियल के बने होते हैं। अब अगर हम लोग बात करें स्टडी ऑफ फ़िश साइज़ फ्रीक्वेंसीज के बारे में, तो कहते हैं कि इसमें हम लोग ये देखते हैं कि फ़िश का जो साइज़ होता है विद एज वो चेंज होता रहता है। तो इसको समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग क्या देखते हैं कि कुछ फिशेज ऐसी हैं जो कि वंस इन अ ईयर ब्रीड करती हैं, कुछ ऐसी हैं कि जो टू टाइम्स ब्रीड करती हैं। तो जो फिशेज अब इनमें जो है वो कंपैरिजन आ जाता है, कुछ ओल्डर फिशेज हो जाती हैं और कुछ जो है वो यंगर या हम लोग कह सकते हैं न्यूली ग्रोइंग जो है वो फिशेज हो रही होती हैं। तो जो हमारे पास ओल्डर फिशेज होंगी वो क्या होंगी, वो ज़्यादा साइज़ की हमें नज़र आएंगी और उनकी एज भी लार्ज साइज़ में भी वो लार्ज होंगी और उनकी एज भी ज़्यादा होगी। और जो स्मॉलर फिशेज होंगी वो क्या होंगी, वो साइज़ में भी छोटी होंगी एज़ कम्पेयर टू ओल्डर वंस, और वो जो है उनको हम लोग इजीली डिटरमाइन कर लेंगे। इसके एग्जांपल कुछ इस तरह हम लोग लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा जो फिशेज है ना उनको पकड़ा, उनको मार्क किया, और उनको मार्क करने के बाद उनकी लेंथ को भी मेजर किया, और देन उन्हें दोबारा हम लोगों ने क्या किया, उन्हें पानी के अंदर मूव कर दिया। तो आफ्टर सम टाइम जब हम लोगों ने उन्हें दोबारा ऑब्जर्व किया, तो क्या हुआ कि हमें जो है वो डिफरेंट जो है वो काइंड्स की जो डिफरेंट काइंड्स की जो फिशेज है ना उनकी वो मिल जाएंगी, और उनकी डिफरेंट लेंथ्स हमें जो है वो मेजर होंगे। उन लेंथ के थ्रू हम लोग क्या कर लेंगे, साइज़ जो है वो उनका डिटरमाइन कर लेंगे और उनकी एज को भी डिटरमाइन कर लेंगे। अब यहाँ पे जो सेकंड एग्जांपल दी गई है वो है येलो टेल फ्लडर की। ये जो ग्राफ दिखाया गया है आप लोगों को आगे, ये भी जो है वो येलो टेल फ्लडर के है। कहता है कि इसमें हम लोग क्या करें, येलो टेल फ्लडर जो होते हैं ना इसमें मेल्स और फीमेल इन दोनों के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा था। इनमें जो मेल्स होते हैं वो छोटे होते हैं, उनकी ग्रोथ स्लोली हो रही होती है, जो फीमेल्स होती हैं उनकी ग्रोथ जो है वो रैपिडली हो रही होती है। इसलिए हम लोगों ने इन दोनों का ग्राफ भी जो है वो सेपरेट जो है वो शो करवाया है। अब अगर हम लोग देखें
तो क्या है, एक साइड पे जो है वो नंबर ऑफ फिशेज हैं और दूसरी साइड पे उनकी लेंथ बताई गई है। तो आप ये देखें कि जितनी जो है वो लेंथ बढ़ती जाएगी उस हिसाब से जो है वो उनकी हमें एज के बारे में भी पता चला है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर हम लोग फीमेल की देखें, तो जब वो फर्स्ट पीक पे पहुंचती है तो जिनकी जो फिशेज इतनी रेंज तक होंगी होंगी तो उनकी और उनकी लेंथ इस रेंज में होंगी तो वो 1 ईयर की फिशेज होंगी। और इसी तरह फिर हम लोग कह सकते हैं कि ये 2 ईयर की फ़िश है और सिमिलरली वो 3 साल की जो है वो फ़िश है। इसी तरह मेल्स का भी जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। अब अगर हम लोग एज डिटर्मिनेशन के लास्ट स्टेप की बात करें तो वो है कि हम लोग डिफरेंट हार्ड पार्ट्स के थ्रू जो था वो एज को डिटरमाइन करते हैं। उसमें हम लोग ओटोलिथ्स को यूज़ करते हैं, स्केल्स को यूज़ करते हैं फिश के, वर्टिब्री को यूज़ करते हैं, इसके अलावा उनकी स्पाइंस को यूज़ करते हैं, रे फिन्स को यूज़ करते हैं, अपर कूलर बोन्स इवन के वो भी जो है वो यूज़ करते हैं, किए जा रही हैं फ़िश की एज को डिटरमाइन करने के लिए। तो सिमिलरली ट्री की जिस तरह हम लोग एनुलर रिंग्स के थ्रू हम लोग एज को डिटरमाइन करते हैं, सिमिलरली हम लोग क्या करते हैं फिशेज़ के अंदर भी ग्रोथ रेट को देखने के लिए हम लोग डिफरेंट जोन्स और बैंड्स को ऑब्जर्व करते हैं जो कि उनके डिफरेंट बॉडी हार्ड स्ट्रक्चर्स में अपीयर होते हैं और जिनको हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे। अब अगर हम लोग ये ऑब्ज़र्व करें कि सीजनल रिंग्स कैसे बनती हैं हार्ड पार्ट्स ऑफ फिशेज़ में, तो इसके लिए हम लोग जो है वो ये देखते हैं कि जैसे कि हमें पता है कि फ़िशेज़ जो है वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, इनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो वाटर के टेम्परेचर के जो है वो हिसाब से वो रेगुलेट होता रहता है। तो वो वाली फ़िशेज़ जो कि वार्म वाटर के अंदर रह रही होंगी उनकी ग्रोथ ज़्यादा बेस्ट होगी, वो जो होता है उनकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी होगी। और जो वो वाली फ़िशेज़ जो कि ठंडे पानी के अंदर रह रही होंगी उनकी जो होती है वो ग्रोथ स्लोली होगी, या कुछ फ़िशेज़ के अंदर तो विंटर के मौसम में ग्रोथ होती ही नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि टेम्परेचर जो है वो एज को डिटरमाइन करने में क्या कर रहा है, वो रोल प्ले कर रहा है। इसकी सबसे इसको समझने के लिए हम लोग सबसे बेस्ट एग्जांपल है जैसे कि हम लोग ट्री की एज को डिटरमाइन करने के लिए एनुअल रिंग्स को काउंट करते हैं। उसके जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया जब हम लोग क्रॉस सेक्शन करते हैं तो उसमें हमें डिफरेंट रिंग्स एनुअल रिंग्स नज़र आ रही होती हैं, और एनुअल रिंग्स को हम लोग काउंट करें तो हमें जो हम लोग ईजिली बता सकते हैं कि ये जो दरख्त है वो कितनी एज का है। तो सिमिलरली जो है हम लोग सीजनल जो रिंग्स हैं फिशेज़ की बॉडीज़ के अंदर उनको भी डिटरमाइन करते हैं। अब अगर हम लोगों ने एज जो है वो डिटरमाइन करनी हो शार्क्स की या स्केयर्स की, तो दीज आर कार्टिलेजियस फिशेज़, इनमें जो ऑटोलिथ्स होते हैं वो प्रॉपरली कैल्सीफाइड नहीं होंगे, तो इसलिए हम लोग इनके ऑटोलिथ्स से जो है वो एज को डिटरमाइन नहीं करते, बल्कि हम लोग इनके वर्टिब्री या जो स्पाइंस होते हैं उनके थ्रू इनकी एज को डिटरमाइन करते हैं। कहते हैं कि फ़िश की जो बोन होती हैं इनमें क्या करती है, वो सीजनल जो है वो जोन्स जो है वो नज़र आ रही होती है, और वो सीजनल जोन्स बेसिकली एज को जो है वो बता रही होती है कि फ़िश की एज किस हिसाब से होगी। अब अगर हम लोग वर्टिब्री की बात करें तो वर्टिब्री के अंदर सीजनल ग्रोथ जो है वो हमें डिफरेंट बैंड्स के तौर पे नज़र आ रहे हैं, कुछ लाइट शेड में बैंड्स हैं और कुछ जो है वो डार्कर शेड में बैंड्स हो रहे होते हैं। तो मोस्टली और ये जो बैंड्स हैं वो सेंट्रल जो लाइन है ना बैकबोन की उसमें ज़्यादा कंसनट्रेटेड हैं, और जैसे जैसे बाहर की तरफ आएंगे तो उतनी ही इनमें जो है वो लाइन जो है वो थोड़ी सी क्लियर जो है वो डेंस होना कम हो जाती है। तो इस तरह हम लोग इनके अंदर एनुलर बैंड्स के ज़रिए जो है वो हम लोग एज को डिटरमाइन कर रहे होते हैं। और बाज़ वक़्त ये होता है कि मौसी तौर पे ये जो हम लोग बोन्स को यूज़ कर रहे होते हैं एज को डिटरमाइन करने के लिए, इनको हम लोग पानी के थ्रू जो है वो बॉयल करते हैं, उनको क्लीन करते हैं, फिर उनको ड्राई करते हैं, और फिर हम लोग इन्हें जो है वो डिफरेंट स्टडी पर्पजेज़ के लिए जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। अगर हम लोगों ने एज डिटर्मिनेशन करनी हो ऑटोलिथ्स के थ्रू, तो हम लोग क्या कहते हैं, कहते हैं कुछ ऐसी फ़िशेज़ होती हैं जिनके अंदर प्रॉपर स्केल्स नहीं होते, या उनमें जो है वो एनुअल जोन्स जो होती हैं वो इतनी हमें क्लियरली नज़र नहीं आ रही होती उनके स्केल्स के ऊपर। तो देन हम लोग क्या करते हैं, उनको जो है वो उनके एज को उनके सीजनल बैंड्स के थ्रू जो है वो डिटरमाइन करते हैं, और वो जो सीजनल बैंड्स हैं वो क्या होते हैं वो ऑटोलिथ्स के ऊपर जो है वो नज़र आ रहे होते हैं, अपीयर हो रहे हैं।
होते हैं। तो अगर हम लोग बात करें ऑटोलिथ्स की, तो ये बेसिकली है एक कैल्शियम के बने हुए स्ट्रक्चर्स हैं, जो मोस्टली जो बोनी फिशेज होती हैं ना, उनके हेड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि एज अ ऑर्गन ऑफ बैलेंस के तौर पर काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, तो इनमें ये होता है कि इनमें दो फैक्टर्स हैं जो कि इनकी ग्रोथ के ऊपर सबसे ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, वाटर एंड टेम्परेचर। वाटर और टेम्परेचर जो है इनकी सीजनल चेंजेस जो हैं वो लेके आते हैं, और सीजनल चेंजेस की वजह से इनकी जो है वो ग्रोथ के ऊपर भी इफ़ेक्ट हो रहा है। और जब हम लोग ऑटोलिथ्स की बात कर रहे हैं, तो ऑटोलिथ्स को जब हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, तो हमें उनके अंदर लेयर्स नज़र आ रही होती हैं, जो कि हमें स्प्रिंग और समर की ग्रोथ के बारे में हमें बता रही होती हैं कि इन्होंने समर और स्प्रिंग में इतनी ग्रोथ शो करवाई है। और उन ग्रोथ की रिंग्स के थ्रू हम लोग इनकी जो है वो एजेस को डिटरमाइन कर रहे होते हैं। और मोस्टली तौर पर ये हमें जो है वो डार्क बैंड्स के तौर पर और लाइट बैंड्स के तौर पर हमें नज़र आ रही होती हैं, और इनके थ्रू जो है वो हम लोग एज को डिटरमाइन कर रहे होते हैं। तो मोस्टली तौर पे जो हम लोग ऑटोलिथ्स के थ्रू एज को डिटरमाइन करते हैं, वो ज़्यादा क्लियर होती है, वो ज़्यादा हम लोग कह सकते हैं कि ज़्यादा बेस्ट होती है एज को डिटरमाइन करने के लिए एज़ कम्पेयर टू स्केल्स। और ये जो है कहते हैं कि कहा जाता है कि जो ऑटोलिथ्स होते हैं, ये सबसे बेस्ट मेथड है ओल्डर फिश के अंदर एज को डिटरमाइन करने के लिए। अब अगर हम लोग बात करें अपने सेकंड मेजर टॉपिक की, तो वो था रेगुलेशन ऑफ रिप्रोडक्शन इन फिश। तो इसमें हम लोगों ने दो फैक्टर्स को डिस्कस करना, एक इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और दूसरे थे हार्मोनल और इंटरनल फैक्टर्स। अगर हम लोग इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की बात करें, तो डिफरेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो कि फिश की रिप्रोडक्शन पे डिफरेंट वेज के थ्रू जो है वो इफेक्ट कर रहे होते हैं, और डिफरेंट तरीकों के थ्रू जो है उसको रेगुलेट कर रहे होते हैं, जैसा कि फोटो पीरियड हो गया, टेम्परेचर हो गया, इसके अलावा वेदर साइकल्स, वाटर क्वालिटी, साइकल्स ऑफ मून, न्यूट्रिशन, डिजीजेज, पैरासाइट, स्पीसीज ऑफ अदर फिशेज, ये सारे के सारे जो है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो कि फिशेज की रिप्रोडक्शन के ऊपर इफेक्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग टेम्परेचर की एग्जांपल ले लेते हैं, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा जो होती है वो फिशेज के अंदर रिप्रोडक्शन का जो साइकिल है वो ज़्यादा फास्टर होगा, और वो ज़्यादा तेज़ी से जो है वो ब्रीडिंग करेंगी, और उनकी ग्रोथ भी उतनी ही ज़्यादा जो है वो बढ़ेगी। और इस तरह वेदर के साइकिल्स भी, वेदर साइकिल्स में भी ये चीज़ आ जाती है कि सर्दियों में वो समर वेदर में वो ज़्यादा करेंगी जो है वो अपनी ग्रोथ को शो करवाती हैं, और जो विंटर के मौसम में वो कम ग्रोथ शो करवा रही होती हैं। इसके अलावा न्यूट्रिशन भी, क्योंकि ग्रोथ को डिटरमाइन करने में बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले कर रही है, और जब ग्रोथ को डिटरमाइन पता चल जाएगा, तो अल्टीमेटली हम लोग एज को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। अब अगर हम लोग इंटरनल फैक्टर्स की बात करें, तो कहते हैं फिशेज में जो इंटरनल फैक्टर्स हैं जो कि रिप्रोडक्शन को रेगुलेट करने में रोल प्ले करते हैं, उनमें मेन जो है वो आते हैं हार्मोन्स। अब ये होता ये है कि हमारे ब्रेन के पास डिफरेंट एक्सटर्नल जो है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, उनका स्टिमुलस आ रहा होता है, या हमारे पास सेंसरी ऑर्गन्स का जो स्टिमुलस आ रहा होता है ब्रेन के पास, वो क्या करता है, वो हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करता है। हाइपोथैलेमस जो होता है वो आगे से रिस्पेक्टिव हार्मोन्स को जो है वो प्रोड्यूस करता है, जैसा कि फॉर एग्जांपल वो डोपामाइन को प्रोड्यूस कर रहा होता है, साथ गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन को करता है। गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जाके गोनेडोट्रोफिन हार्मोन को एक्टिवेट करवाता है, और गोनेडोट्रोफिन हार्मोन आगे से गोनेड्स की मैचुरेशन करवाते हैं, और गोनेड्स की मैचुरेशन से ओवरी और टेस्टिस बन जाते हैं, और उनमें उनके थ्रू जो है वो आगे एग और स्पर्म की जो है वो प्रोडक्शन हो। अब अगर हम लोग अपने लेक्चर को समअप करें, तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने फ़िश के तीन डिफरेंट मेथड्स जो है उनको स्टडी किया, जिसके थ्रू हम लोग फ़िश की एज को डिटरमाइन कर सकते हैं। इसके बाद हम लोगों ने डिफरेंट फ़िश के डिफरेंट हार्ड पार्ट्स या बॉडी के, उनके थ्रू जो है वो फ़िश के एज को डिटरमाइन किया। देन हम लोगों ने डिफरेंट जो है वो हार्मोनल फैक्टर्स या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के ज़रिए फ़िश के अंदर रिप्रोडक्शन की रेगुलेशन को जो है वो स्टडी किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल।